नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको स्वयं सहायता समूह के गठन के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। ज़्यादातर बैंकिंग का स्टूडेंट सखी बहनें और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस बात से अवगत नहीं होंगी जिस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। ज़्यादातर लोगों को स्वयं सहायता समूह के बारे में दुविधा होती है, स्वयं सहायता समूह के बारे में संशय बना रहता है। तो दोस्तों गांव-गांव स्वयं सहायता समूह के गठन के बारे में सरकार भी काफ़ी तेज़ी से जोर दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर का अनुपूरक बजट पास कर दिया गया है, आने वाले भविष्य में केंद्र सरकार के द्वारा भी स्वयं सहायता समूहों को समय समय पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों बैठक होने पर मुख्य अतिथि और स्वयं सहायता समूहों से सशक्त महिलाएँ भी उस बैठक में भाग लेगी। दोस्तों हर एक ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मीटिंग होना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रदेश में मिशन नारी शक्ति योजना को बड़े धूमधाम से चलाया जा रहा है। दोस्तों ब्लॉक कार्यालय पर क्षेत्र की बैंक शाखाओं के प्रबंधकों और स्वयं सहायता समूह की बैठक की गई। लीड बैंक के मैनेजर और स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ सभी ने इसमें भाग लिया। मुख्य अतिथि के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गाँव-गाँव में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और ब्लॉक मिशन प्रबंधक ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद उसका बैंक उनको खाता खोलने के लिए 1500 रुपये तथा 3 माह बाद 15,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इसके 6 महीने बाद 50,000 रुपये बतौर ऋण दिया जाता है। क्या दोस्तों ये बात आपको पता है? आप खाता खुलवाने जाएंगे आपको 1500 रुपये दिया जाएगा और 3 महीने बाद आपको 15,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और खाता खुलने के 6 महीने बाद आपको 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना काम शुरू कर सकती हैं, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ स्वरोजगार कर सकती हैं। दोस्तों एडीओ जी ने बताया कि विकासखंड क्षेत्र में हजारों स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष में लगभग 500 स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। बैठक में पीएनबी शाखा प्रबंधक, प्रशिक्षण संस्थान से सहायक विकास अधिकारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, ये सभी लोग मौजूद थे। दोस्तों ज़्यादातर जिले में, ये आपको मैं न्यूज़ बता रहा हूँ मोरना डिस्ट्रिक्ट का, जो आपका मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, और वहाँ पर ये बैठक हुई और उस बैठक में स्वयं सहायता समूह के गठन को लेकर काफ़ी तेजी दिखाई गई है। तो दोस्तों आपसे मैं अपने हर वीडियो में कहता रहता हूं कि स्वयं सहायता समूह बनाइए बनाइए बनाइए, लेकिन आप लोग इस चीज़ पर अमल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप अगर मेरे इस YouTube चैनल के सदस्य हैं तो आप एक मेरे परिवार के भी सदस्य हैं। दोस्तों मेरा ये काम है कि आप लोगों को तरह तरह की जानकारी से अवगत कराना, सरकार के द्वारा जो भी समय समय पर शासनादेश जारी किया जाता है उससे अवगत कराना। दोस्तों स्वयं सहायता समूह के गठन करने के बाद मैं कितने एग्जाम्पल उदाहरण आपको दिखाऊं, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, खुद का रोजगार कर लिए हैं, खुद के रोजगार से रोज का 1000 रुपये 500 रुपये कहीं नहीं गए हैं। दोस्तों जब सरकार आपको इस काम को करने के लिए प्रोत्साहित कर रही तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़कर बखूबी जवाब देता हूँ। कोई भी आपको समस्या हो कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को जवाब देता हूँ। अगर कमेंट रिप्लाई करने लायक होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, अदरवाइज मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको एक नया वीडियो बना के आपके सारे कमेंट्स और संशय को दूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक और निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं जानकारी आप लोगों तक साझा करता हूँ ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके और आपके दोस्त भी इस योजना का लाभ उठा सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।